कैंट पुलिस ने दो डप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्त फलमंडी से आवास विकास कॉलोनी बेतियाहाता आने वाले रास्ते के मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास कुमार सोनकर पुत्र वर्मा सोनकर निवासी अमृत मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपक उर्फ रंजन डोम पुत्र महिपाल डोम निवासी पकड़गांव थाना बगहा बेतिया बिहार हाल बता लालडिग्गी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक पायल घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त विकास कुमार सोनकर व दीपक उर्फ रंजन डोम से पूछने पर बता रहे हैं कि हम दोनों अपने साथी करण डोम पुत्र जितेंद्र डोम निवासी लालडिग्गी पावर हाउस थाना राजघाट गोरखपुर के साथ ऑटो लेकर घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई अकेली महिला दिखती है तो उसे अपने ऑटो में बैठाकर घुमाते हुए ले जाते हैं और महिला को बरगलाकर उसके गहनों को निकालकर झोले में रखवा देते हैं कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, गहने को निकालकर झोले में रख लीजिए, नहीं तो वो लोग ले लेंगे। इस प्रकार हम लोग झांसा देकर महिलाओं से गहना निकलवा कर झोले में रखवा लेते हैं और मौका पाते ही झोले को बदल देते हैं या गहने को चुरा लेते हैं। इसी तरह की घटना हम लोगों ने दिनांक 24 जून को एक अकेली महिला को रुस्तमपुर चौराहे से अपने ऑटो में बैठाया था और उस महिला को धोखा देकर उसका मंगलसूत्र झुमका करधन पायल आदि सब जेवर चुरा लिए थे। उसी में का यह बचा हुआ पाजेब है जिसे हम दोनों ने एक एक बांट लिया था। यह वही पायल है जिसे आप लोगों ने हम लोगों से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल विशाल कुमार शर्मा, शिवानंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ठीक है बढ़िया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज थाना कैंट क्षेत्र में एक टप्पेबाजी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें लोग ऑटो संचालित गैंग है ये, इसमें चार लोग बैठ के ऑटो ड्राइवर समेत किसी भी अकेली महिला को देख के टारगेट आइडेंटिफाई करते थे। टारगेट आइडेंटिफाई कराने के बाद उस महिला को ये ऑटो में बिठाते थे एवं उसको बहला फुसला के उसके गहने जो है एक झोले में डाल देते थे। फिर बताते थे कि सामने पुलिस है, पुलिस आगे चेकिंग कर रही है, इस बहाने वो झोले को फिर उसी वापो में झोले की अदला बदली कर देते थे या झोले में से जो उनका सोना था वो चोरी कर लेते थे और फिर आगे जाके महिला को उतार देते थे और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। इस तरह की एक घटना 24/6 को थाना कैंट में हुई थी। उसको सीसीटीवी के आधार पर जहाँ ये उतरे थे वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए इनके चेहरे और पता रसी सुरागरसी के आधार पर कल फिर इनको फल मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो पायजेब बरामद हुई है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बेच के उसका पैसा है वो खर्च कर दिया गया है। शहर में बहुत सारे टप्पेबाज समय समय पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएँ या किसी भी टैक्सी ऑटो बस जहाँ कहीं भी ट्रेवल करें, आप किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, स्वयं के साधन का स्वयं ध्यान रखें एवं किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का मोबाइल नंबर, अपना गहना या फिर अपना कोई भी साधन किसी के साथ शेयर ना करें। इस प्रकार की टप्पेबाजों एवं जालसाजों से बचें। इन लोगों ने पिछले 3 महीने से एक थाना अंतर्गत एक्टिव थे और एक ही मुकदमा रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि और भी रहे होंगे, लेकिन भविष्य में इस प्रकार से लोग जालसाजी में ना फंसें इसके लिए सभी को हिदायत दी जाती है।